जय शिवा दोस्तों, मैं ब्रजेश विके और मैं आज आपको सूरज कुंड में एक बावली जो देवगढ़ में स्थित है उसके बारे में बताता हूँ, जिसे सूरज कुंड और इस बावली को बोलते हैं कुंड। तो साथियों, यहाँ जो कुंड देख रहे हैं आप, यह पूरा गोलाकार और अंडाकार दिखाई देता है। और यहाँ कुंड बहुत गहरे स्तर पे है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है साथियों, और बरसात के समय में यहाँ पूरा भर जाता है और यहाँ से या किधर से भी पानी निकलता है। तो साथियों आइए, साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सूरज कुंड, ये कुंड बोलते हैं इन्हें, इसे ये पूरा भरा हुआ है। और साथियों बरसात के मौसम में पानी पूरा फूल जा रहा है इसमें और इससे बाहर निकलता पानी। और साथियों यहाँ जो बावली बोल रहा हूँ, ये कुंड, ये गोंड शासकों द्वारा बनाया गया था 14-15वीं शताब्दी में। और यहाँ पे इस बावली के साइड पे शंभुसेक बाबा का जो पेंटाना बोलते हैं वो भी स्थित है, उसी के लिए बनाया गया था, ताकि यहाँ पे शंभुसेक बाबा का पेंटाना में दर्शन करने के लिए आए और यहाँ पे इस कुंड में पानी पिए, अपनी प्यास बुझाए। और तो साथियों आप देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये जो रास्ता प्रवेश, इसमें से पानी प्रवेश करता था, जो इस कुंड में आता था पानी इस प्रवेश द्वार के माध्यम से, इस कुंड में इसमें पानी आता था। तो साथियों यह कुंड जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका आकार गोलाकार और अंडाकार है और यहाँ गोंड साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, जो सगाजन यहाँ पे आए और अपनी प्यास बुझाए। इस कुंड साथियों आप जो देख पा रहे हैं, ये जो प्रवेश, इसमें से पानी इस कुंड में प्रवेश करता था। तो साथियों आप ये कुंड देख पा रहे हैं, यह देवगढ़ में दक्षिण की ओर स्थित है, जो जंगलों के किनारे स्थान पे है, बहुत ही अच्छा कुंड है। साथियों आप देख पा रहे हैं, यह कुंड जो कुंड के आसपास पूरा जंगल लगा हुआ है, और ये जो आप देख पा रहे हैं टेंपल, इसको शंभुसेक बाबा का पेंटाना बोलते हैं, जो देवगढ़ में सूरजकुंड एक स्थान है दक्षिण की ओर। तो साथियों आप देख पा रहे हैं शंभुसेक बाबा का जो पेंटाना, हम चलते हैं शंभुसेक बाबा के पेंटाना के पास। साथियों हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। साथियों यहाँ पे पूरा अभी साफ सफाई नहीं है, मगर अंदर का जो शो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। तो साथियों आप इसके ऊपर एक और इसी टाइप का, जो इसी प्रकार से और रूम है, कमरे। तो साथियों आप देख पा रहे हैं, I'm not
दुर्गेश ते काम म्यूजिक।